वर्ण के पाठ दो वर्ण और विचार पढ़ेंगे। वर्ण और विचार में सबसे पहले वर्ण या अक्षर, वर्ण के प्रकार, स्वर की मात्राएं, संयुक्त व्यंजन, वर्णमाला और र के विभिन्न प्रयोग, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण या अक्षर और वर्ण के प्रकार। आज दो हम लोग यही दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या, वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। जब हम किसी वर्ण को लिखते हैं तो वह अक्षर कहलाता है, यानी अ बोले, बोलने में ये बोलने से वर्ण हो गया और लिखने से अक्षर हो गया। अब आगे जानते हैं वर्ण के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं, स्वर वर्ण जो है ये स्वतंत्र ध्वनियां है, जैसे अ आ। इन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यह 11 होते हैं। ये कितने होते हैं? 11। अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये क्या है? ये स्वतंत्र ध्वनियां है, इसमें कोई दूसरा नहीं जुड़ा है। अब देखते हैं आगे अंग अह, ये भी स्वर के साथ लिखे जाते हैं। वास्तव में ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं। जैसे इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे गंगा, मंगल आदि। अंग को अनुनासिक कहते हैं। यहाँ चंद्रबिंदु है, अ पर क्या है? चंद्रबिंदु है। अंग को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे ऊंट, कांटा आदि, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे अह। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः, नमः आदि। अंग्रेजी प्रभाव के कारण अ को भी स्वरों में विकसित किया गया है, जैसे बाय, हॉल, डॉक्टर आदि। व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग करने से उसका रूप बदल जाता है। इस बदले रूप को ही मात्रा कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग करने से इसका रूप बदल जाता है, इस बदले रूप को ही मात्रा कहते हैं। जैसे क में आकार का, ख में क हर्षय की, ये मात्रा हो गई। अब है व्यंजन। अब जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों की संख्या 35 होती है। अब इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी। स्वर का क्या होता है? अ आ होता है। अ से अ आ ई ई ऊ, इसे हम स्वर कहते हैं। तो क हलन प्लस अ बराबर हो गया क, यानी क उच्चारण जब करते हैं तो क के बाद अ उच्चारण होता है, अ भी आता है। ख, ख भी बोलते हैं तो बाद में अ आता है, यानी ये स्वर जो है इसमें जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए यह स्वतंत्र नहीं होता है। अब आप इसे आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे। और अब आप लोग से एक निवेदन है कि आप सभी बच्चे घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।